नोकिया N95 1100 3610 5800। एक टाइम ऐसा था जब नोकिया का पूरे मार्केट पे कब्जा था, पर ऐसा क्या हुआ कि नोकिया जैसी बड़ी कंपनी मार्केट से गायब हो गई। देखिए, नोकिया के लिए दिक्कत शुरू हुई एंड्रॉइड और आईओएस के मार्केट में आने के बाद। एप्पल ने टच स्क्रीन फोन का ट्रेंड शुरू किया। पहले जो नोकिया फोन्स एक स्टेटस सिंबल हुआ करते थे, अब वो जगह आईफोन्स ने ले ली थी। वैसे नोकिया ने भी बाद में अपने टच स्क्रीन फोन्स निकाले, लेकिन एंड्रॉइड और आईओएस के सामने नोकिया के सॉफ्टवेयर नहीं टिके। नोकिया ना तो कोई अपना सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बना पाया और ना ही उसने किसी सक्सेसफुल ओएस के साथ स्विच किया। फिर इस क्राइसिस को देखते हुए जब नोकिया ने नए सीईओ स्टीहन इलोप को अपॉइंट किया, तो इन्होंने भी बड़ी गलती करी विंडोज ओएस पे स्विच करके। विंडोज पे एप्स कम बनी और ये ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। लास्ट में स्टीफन ने जाके माइक्रोसॉफ्ट से डील कर ली और नोकिया को सेल ऑफ कर दिया। स्टीफन पे काफी बड़े एलिगेशंस हैं कि इन्होंने जानबूझ के नोकिया को नुकसान पहुंचाने वाले डिसीजन लिए, और ऐसा उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और अपने बेनिफिट के लिए किया।